सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज क्लास में डिस्कशन करवा टीचिंग एप्टीट्यूड रो 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जोटा कि आपंकर अपकमिंग बीएड एंट्रेंस पे बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट कंप्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करेंगे, सांग निश्चित वीडियो को शेयर करेंगे। आज जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम भी आसान, चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे, एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। फ्रेंड्स देखंतु, हम ईबुक आपणकर ऑनलाइन स्टोर रे अवेलेबल हो जाइछि, जे लिंक आपनकु मु दे देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। तो आपन डायरेक्टली हम ऑनलाइन स्टोर परचेज करि परिबे, लिंक आपनकु मिलि जइबो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। ठीक अछि, मात्र बुक रो प्राइस रहिछि 89 रुपीज, जेंथर के आपन पाइबे 700 केमिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन, जोधर कि आपंकर 400 ऑप्शन थी क्वेश्चन एवं आपंकर 300 सिलेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक अच्छे, 700 क्वेश्चन बैंक आपजे ओनली आट द रेट 89 रुपीज है। 89 रुपीज़ आप परचेज करेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपको लिंक मिल जाव। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन दला, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको कौन दला, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दला द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन दैट इज एनसीटीई, टीचर एजुकेशन कथा कहला माने आपण जानचंती एनसीटी। तो एनसीटी रा आवितर केमटी गोटे कोन ना आपणकर एम उद्देश्य थिला टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, एजुकेशन रे रिसर्च प्रमोट करिया माने टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। कॉलेज माने माने आपणकर कॉलेज एजुकेशन ने किछ तार आउट के उन्नत आनिया पई हला, स्टैंडर्ड मेंटेन करिया पई टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कॉलेज ऑफ माने आपणकर कॉलेज सब ओपन करिया पई। नेक्स्ट देछि टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्रांट माने कॉलेज एजुकेशन कॉलेज को आपणकर ग्रांट दवा पई हला। तो करेक्ट आंसर कोन जीवो एनसीटी रो गोटे आपणकर आवितर एम थिला कोन टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन ना स्टैंडर्ड मेंटेन करिया। ऑप्शन है जीवो आपणकर ऑप्शन है जीवो बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिला नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपणकर कहला माने तो आपको कही कितने मसीह आपणकर आसाला, तो जानते समस्ते 1961 मसीह। ठीक अच्छे, तो ये पीडीएफ टा आपको मुझे टेलीग्राम देदेवि, किसी इश्यू ना, टेलीग्राम चैनल आपन पाइ, टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे। ठीक अच्छे, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, किंडरगार्टन जो स्टेज रहा तो किए देते किंडरगार्टन स्टेज, तो किंडरगार्टन स्टेज टा आपंकर किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन आपंकर फ्रोबेल, किए देते फ्रोबेल देते मन रखिए, करेक्ट आंसर हो फ्रोबेल ऑप्शन नंबर 4 रे अच्छी। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु ए टीचर आस्क दि क्वेश्चन इन द क्लास टू, तो आपणकर टीचर क्लास रे क्वेश्चन पचार था, तार मुख्य कारण कौन थाए स्टूडेंट मानकर कौन ना आट्राक्शन को बढ़ाई बा स्टूडेंट मानकर आटेनसन को बढ़ाई। ठीक अच्छे, स्टूडेंट मानक माने आपणकर कौन तर पढ़ा प्रति आग्रह आने आट्राक्ट स्टूडेंट्स आटेनसन, जोटा कि ऑप्शन 4 अच्छी है, ऑप्शन 4 हो करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसतु एसए टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज, तो एसए टाइप आपणकर टेस्ट गोटे रिलायबल नुह कौन पे ना एसए टा जो माने एग्जामिनर जे एसए को देखु थांती चेकिंग कर थांती तांकर कौन एग्जामिनेशन माने एग्जामिनर को मूड को से अफेक्ट करता है, देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय एग्जामिनेशन मूड हला। तो ऑप्शन है जे आपणकर डी हला बा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दला यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज, टीचिंग प्रोफेशन को आपण आपणकर भल पाती कौन पे ना आपण से इंटरेस्ट अच्छी, यू आर इंटरेस्टेड इन इट हला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दला इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हैबिट ऑफ एब्सेंस, आपण दिछि एब्सेंटिज्म हला ऑफ स्टूडेंट, तो आपण कहि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैबिट्स ऑफ एब्सेंटिज्म ऑफ स्टूडेंट्स, तो एब्सेंट को आम मेंटेन करिया पे कौन कर पारिबा ना आपणकर आकु गोटे जो आबसेंट पिला माने आबसेंट रहउछन स्कूल ले आकु निहाती गोटे बिग कंसर्न रूपे आमे गोटे सीरियस कंसर्न बा सीरियस प्रॉब्लम बोली आमे धरिबा एवं तार प्रॉपर रीजन खोजेउ चेष्टा करिबा। द टीचर शुड टेक, करेक्ट आंसर हो द टीचर शुड टेक इट एज ए सीरियस प्रॉब्लम, जोटा कि ऑप्शन नंबर अच्छी आपंकर 3 रे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दला ए गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल यू विल, तो यू विल गो टू मीट हिम योर सेल्फ, निजे आपण जाकि पेरेंट्स को भेटा उचित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दला हाउ द स्टूडेंट शुड
ବି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ ରହିପାରିବେ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ, କେମିତି ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଷ୍ଟଡି କରି, ହେଲା। ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଷ୍ଟଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏ ଟିଚର୍ ସୁଡ୍, ହେଲା। କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବେ ଗଲା, କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ହେଲା, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସଲ୍ଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ସମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ଆଜ୍ ଟଟ୍ ବାଇ ଦ ଟିଚର୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବୁକ୍, ଦେନ୍ ଦିଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସଲ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ, ଆର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବାକୁ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ର ୱାର୍କ ରହିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ସଜେଷ୍ଟ ଟୁ ଫଲୋ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନୋଟ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ନା ଡିସ୍କରେଜ୍ ଟୁ କନସଲ୍ଟ ସମ୍ ଅଦର ବୁକ୍ସ ଅନ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ, ଡିସ୍କରେଜ୍ ଟୁ କନସଲ୍ଟ ସମ୍ ଅଦର ବୁକ୍ସ ଅନ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦୁଇଥର ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ଦେଇଛି ସଜେଷ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଟିଚର୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ପିରିୟଡ଼। କ'ଣ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ୱାର୍କ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଟୁ ହୁମ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସୁଡ୍ ବି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ୱିଥ୍, ଟୁ ହୁମ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୁଡ୍ ବି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦି ଟିଚର୍ସ, ଦ ଟିଚର୍ସ ହୁ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଟ୍, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ଦେନ୍ ଦ ଟିଚର୍ ହୁଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାର୍କ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ହେଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଫୋର୍। ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। କ'ଣ ଥିଲା? ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଟିଚର୍ କ୍ୟାନ୍ ଡେଭଲପ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବାଏ, ଟିଚର୍ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋସିଆଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ, କ'ଣ କେମିତି? ନା ବାଏ ବିହେଭିଂ ଆଇଡ଼ିଆଲି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଆଇଡ଼ିଆଲ ବିହେଭିଅର୍ ଶୋ କରେଇକି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ ଇନ୍ ଲିଜର୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ୟୁ ୱିଲ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲିଜର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋମୱାର୍କକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ଚେକ୍ ହୋମୱାର୍କ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏରେ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରୀ। ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ହେଲା, କେଉଁ ମାନର ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଥ୍ରୀ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଟେନସନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଭିଲେଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଟିଚର୍ ଦେୟାର, ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଟେନସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା ୟୁ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପେସିଫାଏ ଦେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଟିଚର୍, ଟିଚର୍ଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଉଛି ଟିଚିଂ ୱାର୍କକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା, ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଟିଚିଂ ୱାର୍କ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଥ୍ରୀ, ହେଲା। ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଇଜ୍, ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ୱାର୍ଧା ସ୍କିମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କାଲି ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କିମ୍ର ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଟୁ ମେକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଅଲ୍, ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଥ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଥ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଜୁକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଲୋକର ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ହ୍ୱାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ପ୍ଲେ ଗେମ୍ସ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ସ କୋ ଅପରେସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ଟିଚର୍? ତ ଟିଚର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ କିଛି ରହିବାକୁ ଦେବେନି, ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହେଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏ, ହେଲା। ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଏ ମିନ୍ ଅଫ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଏ ମିନ୍ସ ଅଫ୍। ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ୍, ଗୋଟେ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ
इनफॉर्मल आपणकर नॉन फॉर्मल इग्नो आसी जाउची इनफॉर्मल आपणकर डेफिनेट गोल बट नो डेफिनेट टाइम देन आपणकर डिस्टेंस आपणर एजुकेशन अलग एनआईओएस जो एजुकेशन दिए डिस्टेंस एजुकेशन तो फॉर्मल आपणकर होउची जानिचंती निर्दिष्ट गोल निर्दिष्ट एम तो कजर जी फैमिली होउची कोन ना इनफॉर्मल मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट स्टूडेंट रो गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेट होउची ओबीडियंस हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन करछंतु यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन इन क्लास एंड ए स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन ऑन रिलेटेड टू द टॉपिक तो आप गोटे टॉपिक पढ़ाऊँच गोटे पिलाटी आप गोटे क्वेश्चन पचारा तो आपण जदि बा कौन ना ये क्वेश्चन पचारे जदि आप क्वेश्चन पिला जन क्वेश्चन आप पचार जदि आप क्वेश्चन आंसर को जाणी ना तो इग्नोर करेंगे केवे इग्नोर करेंगे ना तो मन रखु टीचिंग एप्टीट्यूड एमती गोटे सब्जेक्ट तो आपन को कौन करा पड़ो ना ये जोटा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने जो ऑप्शन टा नेगेटिव को नेगेटिव थॉट बा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को आम देखा किसी नेगेटिव सेन्स आप प्रकाश कर जानवे जे से ऑप्शन टा को आम काटिद फास्ट कारण से ऑप्शन केवे हम ना है सब चिल्ड्रेन मान केस पॉजिटिव सेन्स को ने तो आपको करेक्ट आंसर हो यू विल आस्क दि क्वेश्चन आफ्टर दि क्लास आप क्वेश्चन आंसर आफ्टर दि क्लास देवे ए टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय टीचर जने टीचर केमिति स्टूडेंट को मोटिवेट कर परिबे ना गिविंग सुइटेबल प्राइजेस ठीक है जी सुइटेबल प्राइज किसी देखी से मोटिवेट करेंगे ए दीपावली फेयर इज बिंग अर्गानाइज इन योर स्कूल व्हाट वुड यू लाइक टू डू दीपावली फेस्टिवल आप स्कूल आपंकर कौन हो ऑर्गेनाइज होउची तो आपण कौन करिवे ना आपण निहाती पार्टिसिपेंट एक्ट करिया चाहिबे तो टेक पार्ट इन द फंक्शन तो करेक्ट आंसर हो टू। नेक्स्ट है जे टीचर शुड बी तो आपण को पचारे बेस्ट रोल ऑफ ए टीचर कौन करिवे फैसिलिटेटर एठी देजे टीचर शुड बी तो करेक्ट आंसर हो ड्यूटीफुल ऑप्शन नंबर फोर। इफ यू आर अनेबल टू गेट ए जॉब ऑफ टीचर देन यू विल तो आप देखु कही जदि आपण टीचर टीचिंग जॉब टी पाई ना तो आप कौन करेंगे तो आप मन रखु जदि जॉबटा होना तो हम तो आज है काली हम तो आप कौन करेंगे ना प्रयास जारी रखिए कौन करेंगे प्रयास जारी रखिए कंटिन्यू अप्लाई फॉर टीचिंग तो ऑप्शन नंबर होती निजर चेष्टा जारी रखिए। इफ ए स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रेस्पेक्ट टू यू देन यू विल जदि जड़े स्टूडेंट आपन को कौन रेस्पेक्ट दौना तेल आप कौन करेंगे ना ताको इग्नोर करेंगे तो कौन करेंगे ना इग्नोर करेंगे है कथा किसी धरवार ना इग्नोर करेंगे कथा को ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर टू। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकज एनवायरमेंटल एजुकेशन को स्कूल पढ़ा कारण कौन इट इज इम्पोर्टाट पार्ट ऑफ लाइफ इट इज इम्पोर्टाट पार्ट ऑफ लाइफ तो ऑप्शन ए। व्हेन द स्टूडेंट बिकम फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट जदि व्हेन दि स्टूडेंट्स बिकम फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट कौन एटा हूँ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेल्युअर ताको आम जानिए इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेल्युअर बिली टीचर हाज ए सीरीयस डिफेक्ट इफ हि और सी टीचर हाज सीरीयस डिफेक्ट इफ हि और सी हाज इमाच्योर मेंटल डेवलपमेंट जी मेंटल डेवलपमेंट ठीक है ना ना तो आम कह कौन एटा गोटे टीचर को सीरीयस डिफेक्ट ठीक अच्छे। द सक्सेस ऑफ टीचर इज टीचर को सक्सेस आम के कह गए जन सक्सेसफुल टीचर बोली क्या कह ना जहाँ कोला टीचिंग शैली कौन बहुत भल थी हिज अर हर गुड टीचिंग है सक्सेस ऑफ टीचर इज हिज अर हर गुड टीचिंग। स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल तो आप पनिश करेंगे ना नॉट पे अटेंशन हियर जितकी भी नेगेटिव सेंटेंस अच्छी काटिद तो करेक्ट आंसर हो ट्राए टू नो दि रिजन आम कारण जानवाक चेस्टा करवा आट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच इन मदर टंग बिकज प्राइमरी लेवल आम आम मातृभाषा पढ़ाटा बेटर कारण कौन ना जोटा कि समस्ते बुझीपरेंगे इट हेल्प चिल्ड्रेन इन लर्निंग इन नेचुराल आटमोसफियर है निज घर पढ़ला भाया से लगे नेचुराल आटमोसफियर पढ़ला भाया ठीक अच्छे। व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लैकबोर्ड ब्लैकबोर्ड रे लिखला बेले इंपोर्टेंट गोटे जिनस को मार्क करेंगे जमी हैंड राइटिंग आपंकर भल हो जहाँफल कि समस्त को देखा आपंकर लेटरटा यू हाव बीन सिलेक्टेड इन ऑल द फोर प्रोफेशन गिवन बिलो व्हेयर वुड यू लाइक टू गो तो यहाँ आपंकर इच्छा आपड़ जोटी
ଯାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ୍ ଓମେନ୍ ଆର୍ ବେଟର୍ ଟିଚର୍ ଆଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲ୍। ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ମାନେ ଜେନେରାଲି ବେଟର୍ ଟିଚର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ ଜଣେ ଯଦି ଓମେନ୍ ପଢ଼େଇଲେ, ତା'ମାନେ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମଦର୍ ଲାଇକ୍ ପାଇବେ, ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ମଦର୍ ଲାଇକ୍ ପାଇବେ। ତ ଆପଣ ନିଜ ମା' ମାନେ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ତ ପାଇବେ ଯଦି ତ ମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିବେ ନା ନାହିଁ। ଦେ ବିହେଭ୍ ମୋର୍ ପେସେଣ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ହେଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଦେ ବିହେଭ୍ ମୋର୍ ପେସେଣ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ 3। ସମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସେଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଟୁ ୟୁ ଅନ୍ ଟିଚର୍ସ ଡେ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ। କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚର୍ ଡେରେ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆସ୍କ ଦେମ୍ ଟୁ ନଟ୍ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ମନି, ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ 2, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ସମ୍ ୱାର୍କ, ହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଆଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ହେଲା। ତ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିର କାପାବିଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଘରେ ପଢ଼ିବେ, ହେଲା। ମେ ଡେଭଲପ୍ ହାବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଇଯିବ 4, ହେଲା। ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଲେ ସେମାନେ ଘରେ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ହେଲା। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଘରେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦିଆଯାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଅପ୍ସନ୍ 4। ତ ଓଭରାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ର କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।